टॉपिक चार का है, यह है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गुण। और आज के टॉपिक में है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन अणु का रासायनिक गुण। कह रहा है केमिकल बिहेवियर ऑफ एनी मॉलिक्यूल, मैंने किसी भी अणु का रासायनिक गुण इज डिटरमाइंड टू लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक निर्धारित किया जाता है बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एंथैल्पी, बंधन विखंडन ऊर्जा या एंथैल्पी द्वारा। किसी अणु का रासायनिक गुण काफ़ी हद तक उसके बंधन विखंडन ऊर्जा या एंथैल्पी द्वारा निर्धारित किया जाता है। कह रहा है डिसोसिएशन ऑफ डाइहाइड्रोजन एट 2000 केल्विन इज 0.081% अबव 5000 केल्विन, माने 5000 से ऊपर ताप पर परसेंटेज इंक्रीज, माने इसका प्रतिशत बढ़ता है एंड बी और 95.5%। 2000 केल्विन पर हाइड्रोजन का विघटन 0.081% होता है, जबकि 5000 केल्विन के ऊपर यह बढ़कर 95.5% हो जाता है। डाइहाइड्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर इसका व्यवहार अक्रिय जैसा होता है, निष्क्रिय होता है ड्यू टू हाई HH बॉन्ड एंथैल्पी, उच्च बंधन विखंडन के या उच्च बंधन विखंडन ऊर्जा के कारण। यह HH सिंगल बॉन्ड रहता है। कर कमरे के ताप पर H2 उच्च HH बंधन एंथैल्पी के कारण अक्रिय या निष्क्रिय रहता है। फिर है एटॉमिक हाइड्रोजन इज ऑब्टेंड एट हाई टेम्परेचर इन एन इलेक्ट्रिक आर्क अंडर और माने या अंडर UV रेडिएशन, UV विकिरण या इलेक्ट्रिक आर्क में उच्च ताप पर परमाणुविक हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन एक्सेप्ट एंड लूज इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति कर या इलेक्ट्रॉन को खोकर आयन में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आयन में। जैसे H या एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो H++1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया तो H- हो जाएगा। ड्यू टू इट हैज़ बोथ प्रॉपर्टी, माने इसके कारण, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन पाने या इलेक्ट्रॉन खोने के कारण यह ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की भांति कार्य करता है, माने यह ऑक्सीकारक और अकारक की भांति कार्य करता है। ये ऑक्सीकारक अकारक इसका एक चैप्टर है रेडॉक्स केमिस्ट्री, इसमें कॉन्सेप्ट उपस्थित है, या आप मैट्रिक क्लास में पढ़े हो ढंग से तो वहाँ पर भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब टर्म से परिचित होंगे। अब है कि H2 इज न्यूट्रल टू लिटमस, माने यह लिटमस के प्रति उदासीन होता है, माने यह रेड और ब्लू में कन्वर्ट नहीं होता है, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता है। एक्शन ऑफ मेटल्स, अब धातु के साथ क्या अभिक्रिया है, तो S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्व मेटल्स कंबाइन, माने संयोग करते हैं विथ H2 माने हाइड्रोजन के साथ, तो दिज H- S, S दर्शाता है S ब्लॉक के तत्व को, आर कॉल्ड सेलिन हाइड्राइड। सेलिन इस होता है खारा, नमकीन वाला बात है ये खारा। तो कह रहा है S ब्लॉक और P ब्लॉक के धातु H2 से संयोग करते हैं, ये HS खारा हाइड्राइड कहलाते हैं। HS H- का अर्थ हुआ कि यह निगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और S माने कहने करते हैं S ब्लॉक के तत्व इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, माने देते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज होता है और S वाले तत्व पर प्लस चार्ज रहता है। तो यह दो रिएक्शन है, ऐसे 2Na+H2 सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड है। अब कह रहा है कि विथ थर्ड ग्रुप एलिमेंट, माने P ब्लॉक के थर्ड ग्रुप से भी यह रिएक्शन करता है और बनाता है BH3 ALH3 और इसका होल पावर एन दोनों का है। अब है एक्शन ऑफ नॉन मेटल, माने अधातु के साथ अभिक्रिया या क्रिया विथ X2 से अभिक्रिया करता है।
तो H2+X2 बना देता है 2HX। अब यह फुलरिन के साथ अभिक्रिया करता है, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ। फुलरिन के साथ करता है डार्क अंधेरा में, और क्लोरीन के साथ करता है सनलाइट की उपस्थिति में, विकृत सनलाइट। उसके बाद यह है Br के साथ, Br2 के साथ यह करता है कैटलिस्ट की उपस्थिति में 620 केल्विन पर, और बनाता है HBr। और H2I2 यह 637 केल्विन पर अभिक्रिया करता है तो 2HI बना देता है। इस सब का कंडीशन याद रखना होगा, यही सब पूछ लेता है। अब कह रहा है रिएक्टिव ऑफ हाइलोजन्स ऑफ डाई हाइड्रोजन डिक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ, मैंने डाई हाइड्रोजन की हाइलोजन की क्रियाशीलता निम्न क्रम में घटती है, जैसे F2 का सबसे ज़्यादा तो Cl2 का, उसके बाद Br2 का और फिर I2 का। अगर यह इंक्रीजिंग फॉर्म में पूछता है तो I2 से लेकर F2 तक बढ़ता है। अब है सल्फर के साथ, तो H2+S, तो H2S या H2S2 बना देता है। फिर ऑक्सीजन के साथ H2+O2, H2O और H2O2 बनाता है। अब फिर यह H2+TE के साथ भी, TE के साथ भी कर सकता है। इस प्रकार यह आगे बढ़ते रहता है। अब कह रहा है डाई हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल, माने यह ज्वलनशील होता है, डाई हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है। उसके बाद कह रहा है डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक माने उस प्रकार की अभिक्रियाएँ जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, हीट इजेक्टेड रिएक्शन जितने भी हैं वे सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं। कह रहा है कि H2O2 से अभिक्रिया कर जल बनाता है, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है, जैसे 2H2 और O2 कैटलिस्ट डाला जाता है तो 2H2O बनाता है। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए माइनस चिन्ह लगाया है, 285.9 केल्विन 9 किलो जूल पर मोल, माने एक मोल को अगर हम लोग बनाते हैं तो यह देता है 285.9 किलो जूल एनर्जी देगा। ये सेम बात यही है। उसके बाद है कि इट क्रिएट्स म्यूजिकल साउंड, माने यह संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड, जिसे कहा जाता है सिंगिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गाना। यह संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करता है जिसे हाइड्रोजन का गाना भी कहते हैं। विथ N2 नाइट्रोजन के साथ N2+3H2 Fe जो है कैटलिस्ट के रूप में है, और मोलिब्डियम प्रोमोटर के रूप में है। यह 673 केल्विन पर 200 ATM प्रेशर पर यह 2NH3 बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैबर प्रोसेस। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यह देता है -92.6 किलो जूल पर मोल। माइनस चिन्ह इसलिए लगाया है कि यह ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, यानी कि यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। अब कर रहा है कार्बन के साथ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को गर्म करते हैं तो मीथेन बनाता है। और फिर 2773 इलेक्ट्रिक आर्क की उपस्थिति में, मतलब इलेक्ट्रिक आर्क ही इतना ऊष्मा या टेम्परेचर उत्पन्न कर सकता है, तो अगर कार्बन का H2 से अभिक्रिया करा दें तो यह बना देता है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम हो जाता है इथाइन। अब है एज रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने यह अवकारक के रूप में भी कार्य करता है। इस जो अवकारक, ऑक्सीकारक, अवकरण, ऑक्सीकरण, इस सब टर्म का डिफिनेशन रेडॉक्स केमिस्ट्री में है। अब है CuO+H2, इसको हीट करेंगे तो यह कॉपर देता है, माने कहने का अर्थ है कि मेटल ऑक्सीजन से मुक्त हो जाता है। और फिर पीबी मिल जाएगा H2O। उसके बाद यह है AgCl, H2 से अभिक्रिया करके बना देता है 2Ag+HCl। अब कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो H2 कन्वर्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इंटू सेचुरेटेड H2, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देता है, जैसे C2H2+2H2 निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में 473 केल्विन पर यह इथेन दे देता है। फिर यह C2H4 इथीन है, यह अभिक्रिया करता है H2 से तो यह दे देता है Ni, माने निकल कैटलिस्ट के उपस्थिति में 473 केल्विन पर इथेन C2H6। इसको हम लोग हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, माने हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है। उसके बाद है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, माने वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण।
वेजिटेबल्स वाइल्स प्लस एच टू निकल कैटलिस्ट के उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में यह वेजिटेबल फैट्स देता है, मैंने वासा दे देता है, वनस्पति वासा, जिसको हम लोग मार्गरीन कहते हैं या वनस्पति घी कहते हैं, या जिसको आप लोग साधारण भाषा में समझिए कि एक प्रकार का डालडा डालडा है। उसके बाद हाइड्रोफॉर्मेशन ऑफ ओलिफिन्स, ओलिफिन्स का हाइड्रोफॉर्मिलीकरण, हाइड्रोफॉर्मिली, देखिए इसको CO को बोलते हैं फॉर्माइल और H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन, और यह है ओलिफिन, यह ओलिफिन का फॉर्मूला है RCH2। यह रिएक्शन करता है और अल्केनॉल में बदल जाता है, यानी कि अल्डिहाइड में बदल जाता है, और यह फिर अल्डिहाइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेता है और यह दे देता है अल्कोहल। अब है एग्जाम्पल, जैसे प्रोपीन अभिक्रिया किया H2 और CO के साथ तो यह बना देता है ब्यूटेनॉल, और फिर यह ब्यूटेनॉल H2 से अभिक्रिया करके ब्यूटेनॉल बना देता है। संतृप्त अल्किन को बोलते हैं, अल्किन अल्काइन को असंतृप्त बोलते हैं। संतृप्त का इंग्लिश होता है सेचुरेटेड, असंतृप्त का इंग्लिश होता है अनसेचुरेटेड। जिसमें सिंगल बंधन रहता है, माने एकल बंधन रहता है, इसको बोलते हैं संतृप्त, और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसको बोलते हैं असंतृप्त। जैसे अल्केन, इसका जनरल फार्मूला पूछता है CnH2n+2, इसको हम लोग पैराफिन भी बोलते हैं, पैराफिन्स। और यह हो गया अल्किन, इसका जनरल फार्मूला आता है CnH2n, इसको ओलिफिन्स बोलते हैं, इसमें डबल बॉन्ड रहता है। आ यह है अल्काइन, इसका फार्मूला आता है CnH2n-2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन। और फिर एक बार और सुन लीजिए, अल्केन को सेचुरेटेड और अल्किन अल्काइन को बोलते हैं अनसेचुरेटेड।